सा टूल्स है, इस टूल से वास्तु के 16 जोन निकल के आ जाते हैं। जैसे हम कुंडली देखते हैं ना, कुंडली उसमें कैसे 12 जोन होते हैं, 12 12 बॉक्सेस होते हैं, और 12 बॉक्सेस में प्लेनेट होते हैं, उसी तरह यहाँ पे 16 जोन है, और 16 जोन के अंदर यहाँ पे इस वास्तु में जो गुण धर्म है ना, जैसे अभी आपको ये एक शक्ति चक्र तो दिख रहा है ना, इधर ये नॉर्थ दिख रहा है, नॉर्थ के ऊपर आप क्या लिखा है, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये क्या चीज है, अगर यहाँ पे एंटी एलिमेंट आ जाएगा, एंटी कलर आ जाएगा, या एंटी कुछ भी चीज आ जाएगी ना, तो ये चीज क्लाइंट को नहीं मिलेगी। हमारे जो क्लाइंट होते हैं उसको मनी भी नहीं मिलेगी लाइफ में, और नई नई अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलेगी। ये एकदम फैक्ट चीज है। अगर ये आप सीख जाओगे नक्शा बना के उसके ऊपर ये शक्ति चक्र को सेट करना, और फिर उसका नक्शे में वो जोन निकाल के, और जहां जहां एंटी एक्टिविटी है उस पे उसका कैलकुलेशन करके आप उसको जो रिपोर्ट बनाओगे वही रिपोर्ट उसका प्रेजेंट और पास्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे कलर की भी हमने इंफॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पे सब कुछ हमने समझा रखा है। तो अभी आज हम नॉर्थ जोन के अंदर, हम डब्ल्यू सी, डब्ल्यू सी आजकल वास्तु के अंदर क्या है, क्या क्या देखा जाता है, कट देखे जाते हैं, फिर डक देखी जाती है, फिर डब्ल्यू सी देखी जाती है, एंट्रेंस देखी जाती है। अंकित जी सुन रहे हो ना? यस हाँ। सर, सुना और बहुत बहुत सी ऐसी चीजें देखी जाती है किचन, तो उसी को वास्तु में सीमित रखना है हमको। और बहुत बड़ा वास्तु देख के उसके डीप में जाके कुछ भी आप करोगे ना, क्योंकि जब तक वास्तु में वास्तु दोष नहीं होगा तब तक उस घर की एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी। सर। जिसका वास्तु अच्छा है तो वहां की एनर्जी पॉजिटिव ही होगी, भले उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो वो उसके कर्मों का नतीजा है। हमें तो वास्तु दोष दिखा तो ही वो केस हाथ में लेने का, बाकी जहां पे हमें वास्तु दोष नहीं लगा और वहां की फैमिली टेंशन में है, तो वो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहीं ना कहीं अपनी भी अदालत रखी हुई है। हाँ, हमें हमें चांस दिया है वास्तु को ढूंढ के उसकी सॉल्यूशन करके उसको बेनिफिट करवाना, बाकी उसके कर्मों को चेंज करना हमारा सब्जेक्ट नहीं है, नहीं हमारी औकात है। ओके, अब आज हम यहां से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये सब प्रोडक्ट है, वो मैं आगे आपको समझाता हूं। अभी एक शौचालय मैंने दिखा रखा है, अब ये नॉर्थ के अंदर अगर जब भी शौचालय आएगी तो इस तरह से उसकी एक ट्रीटमेंट कर देना। ओके, अगर क्लाइंट क्लाइंट ये टेस्ट रेमेडी है, अंकित जी आप भी सुनना, ये क्या करना है, ये हमें परमानेंट नहीं करवाना। अगर आपने किसी का विजिट किया है, आप विजिट पैसे लेके करते हो कि फ्री करते हो? पैसे लेके सर, हाँ तो बराबर है, आप पैसे लेके विजिट करते हो तो पार्टी के पास काम कराने के लिए वो समय मांगता है हमारे पास, तो तब उसको ये टेस्ट रेमेडी बता देने की, क्योंकि ये टेस्ट रेमेडी से वो स्ट्रोंग होगा ना, तो आपका जितना भी बड़ा एस्टिमेट होगा ना, तो वो उसको बेयर कर पाएगा। तो उसको बोल देना कि इस तरह से तू एक टेम्पररी कर्ल करवा दे या टेप लगवा दे, फिर तेरे को इस शौचालय की कोई पॉजिटिव इफेक्ट लगेगी तो तू आगे मैं बता तो वो कर लेना। ओके, अभी ये जो कलर, ये जो अगर अगर नॉर्थ के अंदर टॉयलेट आता है तो यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर की रेमेडी करवाने की, और ईस्ट में अगर टॉयलेट आता है तो यहाँ पे ग्रीन कलर करवाने का, साउथ में आता है तो यहाँ पे रेड कलर करवाने का, और वेस्ट में आता है तो यहाँ पे व्हाइट या येलो करवाने का। क्लियर? यस ओके, अब ये जो एक डब्ल्यू सी है ना, उसकी जो आउटलेट है ना वो, सर, सर सर एक मिनट सर, ये हाँ नॉर्थ में है सर, तो नॉर्थ में सर ऐसे ब्लू कलर लेंगे या ग्रीन कलर? ब्लू भी ले सकते हो, ग्रीन भी ले सकते हो, वो मैं अच्छा, इसके दोनों बाद, ही ले सकते हाँ मैं इसके बाद हैं। बताऊंगा कौन सा कलर कहाँ पे क्यों लेना है। जी सर, यहाँ पे मैं आपको पहले इसके ये बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आएगा। अब ये आपने डब्ल्यू सी देखी है, तो ये डब्ल्यू सी का जो आउटलेट है ना वो दीवाल में दिखाया हुआ है, तो आपको खाली तीन तरफ ही टेप मारनी है या कलर करना है, और दूसरा थोड़ा कटिंग के ऊपर ले जाना है। अब दूसरी डब्ल्यू सी आपको बाई चांस इस तरह से फेस होगी। अब देखो एक चीज यहाँ पे और बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि आपको मैंने जो कलर बताए थे ना सब, जैसे भी ये वाटर के कलर है,
देख रहे हो जी सर। सेजल जी, आपको भी दिख रहा है ये? हाँ सर। ये सब वाटर एलिमेंट के कलर है, तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर, हम क्या ब्लू कलर को लेके ही चलते हैं, पर यहाँ पे इतने सारे कलर आ जाएंगे ब्लू के साथ, ये उसके फेमिलियर हो गए। और यहाँ पे जो वुड लिखा है वो एयर हो गई, फायर लिखा है वो साउथ जोन हो गया, अर्थ हो गया अपना पश्चिम वाला जोन, साउथ वेस्ट जोन का, ये इतने सारे फेमिलियर कलर है। और मेटल के कलर इतने सारे हैं जो पश्चिम दिशा के कलर, पश्चिम दिशा के कलर है। अब ये कलर एक दूसरे के विस्तार में चले जाएंगे तो नेगेटिव साबित होंगे, जो आपको शक्ति चक्र में हमने बता दिया है। बराबर अंकित जी? जी सर। आप खाली रेड लेके चल रहे थे, पर देखो कितने सारे कलर है, ये देखा क्या? नहीं हाँ सर, वो ही हाँ, ये कलर, पर्पल भी। हाँ ये कई जगह क्या होगा कि आप किसी का नॉर्थ देखोगे तो वहां पे सोफा पड़ा होगा और उसके अंदर ये पर्पल जैसा कलर होगा हाँ सर। फैब्रिक का, तो हम कह सकते हैं कि तेरा ये कलर तुझे डिस्टर्ब कर रहा ओके। है। यानी इतना इतना बारीक काम करना है ना आपको वहां पे जाके, कि क्लाइंट खुद अचंभे में पड़ जाएगा कि यार इसने बहुत कुछ हमारे घर में देखा है। डिटेलिंग, अगर कोई आपके साथ अच्छी तरह बात करता है, आपको समय देता है और छोटी छोटी बात आपकी सुनता है, तो आपको कितना अच्छा लगता है। उसी तरह क्लाइंट को भी हम पे इतना इतना वो इतनी आशा होती है कि वो मेरी छोटी से छोटी चीज देखे। और एक बार अगर क्लाइंट आपसे इंप्रेस हो गया तो आपके 100% बहुत बेनिफिट होगा लाइफ के अंदर, क्योंकि एक ही क्लाइंट दूसरा क्लाइंट देगा, यहाँ पे क्लाइंट ही क्लाइंट लाके देता है, ये बात आप एकदम माइंड में डाल देना। क्योंकि जो एक फर्स्ट क्लाइंट आएगा ना, उसको आप पे भरोसा कम बैठेगा, क्योंकि वो आपका फर्स्ट क्लाइंट है। तो अगर वो दूसरा कोई क्लाइंट लेके आएगा ना, तो वो उस पर 100% आपको वो खुद ही अपनी एडवर्टाइजमेंट कर देगा कि इसके पास काम करवाओ। क्लियर? यस अब ये देखो, एक WC आपको ऐसे मिलेगी स्पेस में, इसका जो पानी, इसका जो डटी वाटर है ना, वो फ्लोर में जा रहा सर। है। और ये ऐसी WC, एक ये होगी और दूसरी अपनी इंडियन स्टाइल की होती है, जिसपे पांव बैठ के खड़े होता, बैठ के बैठ कर बैठते हैं, पता है ना वो, समझा दिया ना? तो उस जी पे सर। चारों तरफ ट्रीटमेंट करने की, चारों तरफ। क्लियर? जी सर। यस हाँ, ये खास ध्यान रखने का, चारों तरफ। अब इसकी धातु भी अलग अलग आती है, जो भी मैं आपको अब उसी पे ही ले जाता हूँ। यहां तक क्लियर हो गया? सर सर हाँ बोलो बोलो। एक सवाल था कि हाँ सर, जैसे ये जो WC की जो प्रॉब्लम है हाँ वो तो गेट के अंदर ही होगी, जैसे बाथरूम का गेट खोलेंगे तो बाथरूम के अंदर होगी ये प्रॉब्लम। हाँ अब बाथरूम पे ही अगर अपन इसे लॉक कर देते हैं एनर्जी को, तो बाथरूम के अंदर सुधारना जरूरी है क्या? दो चीज हो गई ना आपने यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आप ये यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हो तो साथ साथ एक नुकसान कर रहे हो, यही पॉइंट आप भूल गए, आपने पानी को भी ब्लॉक कर दिया। ये WC में गंदा पानी रहेगा, पर पानी तो है, और इधर वाटर टैंक होगी तो वाटर टैंक तो है, तो उसको भी हमने लॉक कर दिया, तो नॉर्थ के अंदर आपने अपॉर्चुनिटी लॉक कर दी। अगर अगर पूरे टॉयलेट को आपने कर दिया तो क्या होगा? नल लगे होंगे, वो सब लॉक हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कभी भी कोई भी जोन की ट्रीटमेंट करो तो उसी जोन के रिलेटेड एरिया में उस जोन का एक बल्ब लगा दे, एक 3 वोल्ट का बल्ब जला देना, जिससे वो जो लॉक किया है वो खुल जाएगा। समझ रहे हो? जी सर। जैसे ग्रीन ईस्ट को लॉक किया आपने, तो ईस्ट में टॉयलेट पूरे ईस्ट में तो होंगी नहीं, कोई एक पर्टिकुलर जोन, तो थोड़ा 3 फीट बाय 3 फीट या 4 फीट बाय 4 फीट का टॉयलेट होता है, तो बाकी वो वॉल में एक बल्ब लगा देना टॉयलेट के आउटर में जी सर। उस सर जोन अब का। जैसे ऐसे कहते सर, जैसे हमारे यहाँ जो खुद का सर हमारे यहाँ का बाथरूम है, तो हाँ उसमें सर क्या है कि साउथ जोन में तो सर नल लगे हुए हैं, अब क्योंकि हाँ बहुत पहले के लगे हुए हैं वो सर देखा नहीं था, हाँ हाँ और नॉर्थ जोन में सर लैंड मतलब वो बना इंडियन टॉयलेट, और वो ओके भी सर क्या है उसकी भी दिशा गलत बनी हुई है तो ओके पूरे टोटल मतलब वो अंदर से गलत बना हुआ है उल्टा सीधा। तो ओके अब उसमें हमने सर क्या किया है कि उसे बाहर से ही लॉक कर दिया है रॉड लगा के, है वो गलत है, ना? बाहर से नहीं करना है वो पर्टिकुलर। आगे हम उसको हम टेलीफोनिक उसको सॉल्यूशन दे दूंगा आपको, जी सर। ओके? जो मैं समझाना चाहता हूँ ना, मुझे भी वो समझाने दो, जिसका मुझे भी जी आज सर। इंटरेस्ट है आपको। अब जी ये सर। एक चार्ट है, आपको एक दिख रहा है,
सर एन एन ये जोन लिखा है एन 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 ई एन ई ब्लू कलर है ओके ओके यहाँ पे शौचालय दिखा रखा है हम शौचालय पे ही अभी बात करेंगे ओके सर। अब यहाँ पे लिखा है असंतुलन बढ़ा हुआ अब क्या करना है कि आपको आपने अब शक्ति चक्र पे आ गए ओके यहाँ पे हमको दोनों को लेके काम करना पड़ेगा आज देखो ये नॉर्थ है ओके तो यहाँ का खुद का कलर क्या है ब्लू कलर है अब समझो किसी के घर पे आप गए वहां पे नॉर्थ में टॉयलेट आपने आपको मिली क्लियर अब उधर टॉयलेट का एरिया है ना जो वो बड़ा हुआ होगा समझो के बाहर की तरफ निकला हुआ होगा तो वहां पे ब्लू कलर नहीं करना वहां पे किस कलर की टेप मारनी है ग्रीन कलर की टेप मारनी अब पूछो क्यों क्यों सर अभी समझो ये नॉर्थ सेंटर में हो गया अब कोई बंदा अगर बढ़ रहा है आगे की तरफ चल रहा है उसको अटकाना हो तो आपको उसके पीछे खड़ा होना है कि आगे आके खड़ा होना है आगे आके हाँ तो ये नॉर्थ को कंट्रोल करने के लिए कौन सा कलर आगे है ग्रीन ग्रीन और वो घटा होगा तो अगर कोई बंदा खड़ा है उसको भगाना हो तो क्या करोगे पीछे वाला येलो कलर ले लेंगे यस ये ही हमें समझना है तो आप येलो कलर लेके उसको बढ़ा देंगे बढ़ा देते हैं और संतुलन भी करते हैं ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और उस पार्टी को बढ़ा भी रहे क्लियर जी सर